तो आर्यन खान की जमानत पर आज फैसला होने जा रहा है। आर्यन खान अब 14 दिन नहीं बल्कि 7 दिन से पहले ही घर पर आ जाएंगे। दोस्तों हो सकता है आज भी आ सकें, लेकिन ऐसा क्या होने जा रहा है आप लोगों को बता देता हूं। जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं, उन पर कोर्ट ने अभी भी 14 दिन की जेल की सज़ा सुनाने के बाद में आज उनके केस पर एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि शाहरुख खान की मॉम गौरी खान इस समय सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वर्ल्ड डे के दिन अगर उनका बेटा नहीं आया तो ये सबसे बड़ी दुख भरी घड़ी होने जा रही है शाहरुख खान की फैमिली के लिए। दोस्तों आपको बता देता हूं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने एक ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने के बाद में अन्य 8 आरोपियों को भी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ में रखा गया है। शाहरुख खान के बेटे ने हालांकि ये कबूलनामा भी किया था कि हाँ वो ड्रग्स ले रहे थे, लेकिन ये दोस्तों ये बात भी सत्य है कि उनके पास में कोई भी ड्रग्स मौजूद या कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, क्योंकि वो सप्लाई नहीं कर रहे थे। लेकिन एनसीबी ने एक ऐसा पेच फंसा दिया है जिससे शाहरुख खान के बेटे की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों पुलिस कस्टडी में जेल के अंदर जा पहुँचे हैं, क्योंकि जैसे ही 14 दिन की सज़ा हुई थी, 14 दिन की सज़ा होने के बाद में शाहरुख खान के बेटे यानी आर्यन खान का कोरोना टेस्ट होने के बाद में सीधा उन्होंने जेल के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। अब उनकी रात और दिन कैसे कट रहे हैं वो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त जो कट रहा है वो शाहरुख खान के ऊपर कट रहा है, क्योंकि शाहरुख खान कहीं ना कहीं इंडिया के एक बहुत टॉप बड़े ब्रांड हैं, जो कि एक सेलिब्रिटी के तौर पर एक बॉलीवुड पर भी राज करते हैं, जिनको किंग खान के नाम से भी पहचाना जाता है, किंग खान बादशाह। लेकिन शाहरुख खान के इतने रुतबा होने के बावजूद भी उनके बेटे आर्यन खान को कोई बचा नहीं पाया है, लेकिन अभी भी कोर्ट में सुनवाई जारी है और आज एक बार फिर से आर्यन खान पर फैसला आना बाकी है। अब देखने की दिलचस्प बात यह है कि आर्यन खान पर आज फैसला आने वाला है, क्या वो 6 दिन में ही जेल से रिहा होंगे या आज होंगे, क्योंकि 6 दिन से ज़्यादा अब आर्यन खान रहेंगे भी नहीं जेल में, ये भी कोर्ट ने कन्फर्म कर दिया है। हालांकि कोर्ट में 14 दिन की सज़ा सुनाई थी, लेकिन इन सज़ा के पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक, बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। आप लोगों को बता देता हूं कि आर्यन खान एंड शाहरुख खान के बीच में जो बात हुई थी उसमें उन्होंने अपने पिता यानी आर्यन खान ने शाहरुख खान के आगे रोने के अलावा कुछ नहीं बोला है। अब शाहरुख खान खुद ही एक नया स्टेप उठाते नजर आएंगे अपने बेटे आर्यन खान के लिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बॉलीवुड के सुपर स्टार और भी जैसे कि सलमान खान, सुनील शेट्टी, इन्होंने भी उनकी सज़ा के लिए जो कि विरोध किया है, विरोध करने के बाद में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर होता क्या है। साथ ही दोस्तों आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइज एंड लव यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।